नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। बच्चों से प्यार और बड़ों का लिहाज, ये ना सिर्फ हमारे देश की संस्कृति है बल्कि पूरी दुनिया में इसे सही माना जाता है। बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील होने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और बुजुर्ग बढ़ती उम्र के साथ मानसिक तौर पर संवेदनशील और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और ये सच भी है। लेकिन एक और सच्चाई आजकल इस वर्ग में नजर आती है जो सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग, बच्चे और बुजुर्ग, हाल फिलहाल में कुछ बेहद संगीन और जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। इसलिए जरूरी है इस कहावत पर गौर करने की और थोड़ा सतर्क होने की भी। मॉर्निंग सुरेखा, उठो, 6 बज गया। अरे कितना सो गया, उठो ना। अच्छा सुनो, मैं जॉगिंग से होकर आता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में चाय पीते, ओके? उठ जाना। दिखता नहीं क्या, बातें कर रहे हो? उधर कचरा पड़ा, इधर उठाओ इसे। सुरेखा, 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 तुम उठी नहीं अभी तक? चलो तैयार होकर फटाफट बाहर आ जाओ, आज मुझे क्लिनिक जल्दी जाना है, समझी? तो मैं चाय के साथ साथ नाश्ता भी बना रहा हूं। अच्छा ये बताओ, तुम क्या खाना पसंद करोगी? पोहा चलेगा ना? सुरेखा जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता तैयार हो गया है, गरम है, खाओ। कैसा है? मैं देखता हूं। नॉट बैड है ना? तुम्हें तो ये सब पसंद है ना? दरअसल पसंद तो मुझे भी है, लेकिन इतने साल आर्मी में नौकरी करने के बाद ये तीखा तला चटपटा खाना बिल्कुल छूट ही गया मेरा। पता है सुरेख, आर्मी के शुरुआती दिनों में तो मुझे कई दिनों तक तुम नहीं, सपने में ये सेव भेल वड़ा पाव यही सब दिखाई पड़ता था। अब तुम इस बात पर नाराज मत हो जाना कि तुम मुझे सपने में क्यों नहीं आती थी, है ना? क्या बात है सुरेखा, मूड खराब है तुम्हारा? इतनी गुमसुम सी क्यों लग रही हो? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया, तुमको तो रात में बुखार था ना? मैं तुम्हें दवाई दूंगा फिर क्लिनिक चला जाऊंगा,
ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम घर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। तुम्हें फीवर है, अपना ख्याल रखो, घर में ही आराम करना, ठीक है ना? मैं भी कितना केयरलेस हस्बैंड हूं। माय सर, तुम्हें फीवर है और मैं क्लिनिक जा रहा हूं तुम्हें इस हाल में छोड़कर? वेरी बैड। हेलो, हाँ मनीषा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आज मैं क्लिनिक नहीं आ पाऊंगा। हाँ सब ठीक है, वो सुरेखा की तबीयत थोड़ी खराब है और तुम तो जानती हो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा सुनो, अब मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं ना, तुम उन्हें डॉक्टर शेट्टी को रेफर कर देना। थैंक्स। स्मार्ट मूव, अच्छी चाल चली है तुमने आज। आज मुझे हराने का पूरा प्लान बना लिया है। वैसे मुझे हराना इतना आसान नहीं है मिसेस सूर्यकांत मराठे। पटाखे कौन दगा रहा है? आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, है ना? सिविलियंस, अनसिविलाइज्ड लॉट। सॉरी का, मेरी तो समझ में नहीं आता है, ये लोग इस तरीके से अपनी शादी का ढिंढोरा पीटने के लिए पटाखे दगाते रहते हैं। न्यूज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। सुरेखा, हम लोगों की शादी कितनी आइडियल थी, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई पटाखा, नथिंग, कोई शोर शराबा नहीं, कितनी शांति थी ना। टाइम गधों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सर आपने कंप्लेंट की थी? यस, वहीं रुकिए, पीछे जाइए। आप लोगों के जूते बहुत गंदे हैं, अंदर आने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी वहीं से करिए। सर आपने कंप्लेंट की थी, इसके लिए हम लोग आए थे, क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने कंप्लेंट की थी, यहाँ से एक बारात जा रही थी, उसमें पटाखे फोड़े जा रहे थे, बैंड बाजा बज रहा था। कितना बजे की बात है? 7। ठीक है, मग आम्ही काय करू शकत नाही, क्योंकि 10 बजे तक परमिशन होती है। अरे कैसी परमिशन है जो लोगों को परेशान करने के लिए दी जाती है? अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं, शादी करनी है तो करो, किसने मना किया, किसने रोका है? लेकिन लोगों को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, उन्हें नहीं सोने देना, पटाखे दगाना, बैंड बाजे। मेरी बीवी बीमार है, वो सो नहीं सकती, परेशान हो जाती है, अब जागती रहेगी सारी रात। अजीब आदमी है। चलो सुरेखा, रात की दवाइयां ले ली है ना? गुड, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूं, कुछ जरूरी काम निपटाना। गुड नाइट। सूर्या, 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 देखो ना कैसे दिखती है मी, यानी ज्यादा ओवर तो नहीं ना लग रहा है? बॉम्ब लग रही हो, बॉम्ब। अगर ऐसे सजधज कर जाओगी ना वहां, पता चला दूल्हा दुल्हन को देखने के बजाय कहीं तुम्ही को देखकर लट्टू हो गया तो? सूर्या मजाक मत करो, ठीक तरह से बताओ, आईका झगामगा नहीं ना लग रहा है? अरे नहीं लग रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, ना 1% ऊपर, ना 1% कम, एकदम लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्यकांत मराठे की वाइफ नंबर 1। थैंक यू सो मच मराठे, लेकिन आप तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़की विदा होने के बाद हम वहां पहुंचे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, बस लास्ट के 3-4 पेज बचे, खत्म करके तैयार होने जाता हूँ। आप ना सचमुच विदा करके ही मान। अरे बस सूर्या, पौने 7 बज गए, ये अलार्म टाइम पे क्यों नहीं बजा?
हेलो। हाँ सुनाया बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज मामा जी को फोन दीजिए ना। अभी देती हूँ। दिवाकर, सुनाया का फोन है। हाँ बोलो सुनाया। मामा जी, मैं बहुत दिनों से आई को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ दिन पहले तक तो फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन अभी उनका फोन बंद आ रहा है। अरे तो बेटा अपने पापा के नंबर पे कॉल करो, सूर्यकांत तुम्हारी बात तुम्हारी माँ से करवा देंगे। मामा जी, मैंने उनको भी बहुत फोन किया, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। आप प्लीज जाके देखिए ना एक बार। टेंशन मत लो, मैं जाकर देखता हूँ और सुरेखा से तुम्हारी बात भी करवा देता हूँ। बोलिए। ये घड़ी जरा चेक करना। क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो चल रही है सर। चल रही है, लेकिन अलार्म गलत टाइम पे बजता है। सर ये घड़ी नहीं, एंटिक पीस है। जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। इसे ना घर पे मत रखिए, किसी म्यूजियम में रखिए। शट अप, तो इधर। अरे जीजा जी, कैसे हो आप? मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था, सोचा आप लोगों से सुरेखा से मिलता चलूँ। सिंगापुर से शनाया का फोन आया था, वो कह रही थी कि उसकी माँ से बात नहीं हो पा रही है, थोड़ी टेंशन में थी। क्या नाटक है माँ बेटी का? सुरेखा तो सिंगापुर में, शनाया के पास। जीजा जी, शनाया ने सिंगापुर से फोन किया था, सुरेखा उसके पास नहीं है, अगर होती तो यहाँ फोन क्यों करती? अरे मुझे क्या मालूम क्यों फोन करती, सुरेखा जब वहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। उसने मुझसे कहा कि वो सिंगापुर जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है जाओ तुम सिंगापुर, और कोई इंक्वायरी करनी है? अरे जीजा जी, आप तो नाराज हो गए, चलो अंदर चल के बैठ के बात कर लेते। अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो, मनमुटा हो, तो मैं सुलझा देता हूँ। अरे अंदर चल के किससे बात करनी है, कहा ना हो नहीं तो किससे बात करेंगे? मुझे क्लिनिक जाने में देरी हो रही है, जल्दी निकलना है। अरे जीजा जी, बोला ना कि वो नहीं है, जाइए। आखिर क्या चल रहा था सूर्यकांत के दिमाग में? क्यों उसने दिवाकर से झूठ बोला कि सुरेखा सिंगापुर गई है, जबकि वो सुबह शाम उससे बात करता था, उसका ख्याल रखता था? और उसने दिवाकर को अपने घर में क्यों नहीं आने दिया? क्या वो कुछ छिपा रहा था, या फिर ये सिर्फ रिश्तों के बीच की आपसी दूरियों की वजह से था? मामा जी, अगर उनको यहाँ आना होता कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करती। ऐसे ही उठ के सिंगापुर आ जाना क्या आसान है क्या? अगर मुझे नहीं इन्फॉर्म कर पाती तो ठीक है, लेकिन आपको तो बताती, आप तो वहीं थे ना। मामा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई और बाबा के बीच में जरूर कुछ हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मामा जी, जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना इंडिया में, तब आई ने मुझे बताया था कि आई और बाबा के बीच में बहुत अनबन चल रही है। इनफैक्ट मैं अभी भी जब उनसे फोन में बात करती थी वो बेचारी रोती रहती थी। मामा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज जाके पुलिस को कंप्लेन कीजिए। आई एम श्योर कि पुलिस ही मेरी आई को ढूंढेगी। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, बात यह है कि मेरी बहन सुरेखा मराठे अपने हस्बैंड के साथ इसी एरिया में रहती है, लेकिन उसके पति का कहना है कि वो तो सिंगापुर चली गई है अपनी बेटी के पास, जबकि मेरी भांजी शनाया का कहना है कि वो तो सिंगापुर आई ही नहीं है। अब तक तो सुरेखा फ़ोन नहीं उठा रही थी, लेकिन अब तो उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है, इसलिए मैं शनाया के कहने पर सुरेखा से मिले उसके घर चला गया, लेकिन जीजा जी ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। वैसे तो अच्छे है, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया। हमेशा वो अच्छे से पेश आते हैं, बात करते हैं, पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। नाम क्या है उनका? सूर्यकांत मराठे। सुरेखा, मैं क्लिनिक के लिए निकल रहा हूँ, तुम्हारा खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, गरमा के खा लेना हाँ, और दवाई भी ले लेना। ओके। डॉक्टर सूर्यकांत मराठे? यस, कहिए। हमें आपका घर चेक करना है, इन्होंने कंप्लेंट की है कि इनकी बहन लापता है। What rubbish? Why are you doing this? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बहन सिंगापुर गई हुई है। ऑफिसर, he's an idiot. इंस्पेक्टर, ये हम दोनों का टाइम खोटी कर रहा है। देखिए डॉक्टर मराठे, हमें कंप्लेंट आई है, हमें चेक करना ही पड़ेगा। ओके,
वारंट दिखाइए। वारंट? डॉक्टर बस चेक करके निकल जाएंगे, तसल्ली करके। ऑफिसर, घर चेक करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है, एंड दिस इज द प्रोसीजर। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, तब तक आप वारंट लेकर आइए। सर, डॉक्टर सूर्यकांत मराठे ने हमें उसके घर पर घुसने ही नहीं दिया। सर्च वारंट मांग रहा था, प्रोसीजर बता रहा था। बड़ा ही शातिर दिमाग आदमी है सर। मैं दिवाकर जी को लेके कोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट पर सर्च वारंट मिल जाएगा। शाम तक उसके घर की तलाशी हो जाएगी। मैंने एक अपना आदमी उसके घर के बाहर तैनात कर दिया है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। ऑटो रिक्शा से आए आज? हाँ, वो गाड़ी का एसी खराब हो गया था। अच्छा, मैकेनिक को दिया। तुम्हारी बहन की शादी है ना? हाँ सर। कब? अगले महीने। आप आएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मदद की जरूरत हो तो बताना। ठीक। क्या हुआ? रोना नहीं, रोना नहीं। मनीषा, पेशेंट्स भेजो। ओके सर। आपकी वाइफ कैसी है? पहले से अच्छी है। ओके, थैंक यू। या चुप चुप बचा बच्चा, रोना नहीं। हो गया, घर जाएंगे। हां, आप में से बीमार कौन है? जी जी, मैं डॉक्टर साहब। तो फिर इसे बाहर छोड़ कर आइए। अरे, मैं अकेले आई हूँ, इसको किसके पास छोड़ के आऊँ? ये इस तरीके से रोता रहेगा तो मैं आपका चेकअप कैसे करूँगा? चुप चुप हो जाए। नहीं रोना, नहीं रोना, जाएंगे अभी, बाहर जाने, घर जाएंगे। देखिए, आप बाहर जाइए, जब ये चुप हो जाए तब आइएगा, प्लीज। अरे डॉक्टर साहब, 2 घंटे से पहले यहाँ आके बैठी हूँ। घर जाके और 10 काम है, खाना बनाना है, पत्ती को डब्बा देना है। अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। तो फिर आप जाकर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, प्लीज। कैसे बात कर रहे हो? किसी और डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? आप ऐसे मना नहीं कर सकते हो। क्या हुआ सूर्या? मैं आपको बताती, 2 घंटे से यहाँ पे बैठे, अब ये कह रहे हैं किसी और डॉक्टर के पास जाओ, बच्चों को चुप कराओ। अब ये नहीं चुप हो रहा है, मैं क्या करूँ? अच्छा, इतनी सी बात है ना? मैडम आप आइए, मैं चेकअप करता हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। एक तो लेट आते हो और ऊपर से ऐसे बोलते हो मरीजों के साथ, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। अरे मैडम प्लीज आइए ना। अच्छा, आइए प्लीज, आइए आइए, मैं चेक कर। डॉक्टर मराठे, आपको वारंट चाहिए था? ये रहा वारंट। अब आगे की प्रोसीजर तो आपको पता ही होगी। आइए। देख लीजिए। शिंदे सर, रिका में सर, पूरा घर छानवा लो। देखो सुरेखा जी कहीं मिलती है क्या? सर, ओके सर। क्या अजीब आदमी है, इतने ठंड के मौसम में भी एसी का टेम्परेचर इतना कम करके रखा है, घर को शिमला बना के रखा है। सर जल्दी इधर आइए। क्या हो शिंदे? देखिए सर, एक काम करो, राणे साहब को फोन करो। ओके सर। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए आइए। हुआ क्या है सर? आपकी बहन का कटा हुआ सर अंदर फ्रिज में रखा हुआ है। संभालिए, संभालिए अपने आप। आप आइए, बाहर आइए। सर, इनकी बीवी सुरेखा का कटा हुआ सर अंदर फ्रीजर में रखा हुआ है। आइए।
ये देखिए। सर, कटे हुए सर की हालत देखकर लग रहा है कि बॉडी को 7-8 दिन पहले काटा होगा। बॉडी बुरी तरह से डिकम्पोज हो रही है, बाल भी झड़ रहे हैं। इसका धड़ कहाँ? सर पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। घर के आसपास और गैरेज में देखा? नहीं सर। चल तावड़े, यहाँ देखो सर। सर ये देखिए आ रही। सर किसी पर भी खून का निशान नहीं है, लगता है साफ करके रखा है। तवड़े ये सब फॉरेंसिक में भेजो। ये आदमी करता क्या है? सर वैसे तो रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर है लेकिन फिलहाल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है। गाड़ी में बिठाओ, उसे पुलिस स्टेशन लेके चलो। पुलिस को सुरेखा का कटा हुआ सर फ्रिज में मिला, तो क्या सूर्यकांत सुरेखा के कटे हुए सर से बात करता था? और क्या सुरेखा की हत्या भी सूर्यकांत ने ही की थी? देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि सूर्यकांत ने सुरेखा की मौत के बारे में ना तो घर वालों को बताया था और ना ही पुलिस को। सेब तौल दिया है ना? हाँ। अच्छा एक दर्जन संतरा पैक करो। सूर्या। हाँ हाँ। अरे जल्दी पैक कर दो भाई, जल्दी कर दो, होम मिनिस्टर का ऑर्डर आया है। क्या हुआ? सब्जी सब्जी ले लूं। अरे जो भी तुम्हें पसंद है ले लो। नहीं नहीं आपकी पसंद। तुम अपने पसंद से ले लो। नहीं आप बोलो ना, आपकी पसंद चाहिए मुझे। तुम अपने पसंद की ले लो। सर भिंडी ले लो, फुलाव ले लो, बहुत बढ़िया आएगा, खुद बनाओ, मजे का बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। वाह 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 क्या बात है, तुम्हारे तड़के की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। क्या पक रहा है आज? खुद ही देख लो। अरे भिंडी मेरी फेवरेट सब्जी है भाई। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मिर्ची कितनी डालूं? जितनी भी डालोगी लेकिन तुमसे आज तीखी नहीं हो सकती। सच बताऊं, सच बोलता हूँ, दुनिया में मेरे लिए दो ही चीजें सबसे ज्यादा तीखी है, एक ये मिर्ची और एक मेरी खूबसूरत बीबी। सूर्या आप कुछ भी बोलते हो, थोड़ा उम्र का तो ख्याल करो ना। अरे भाई आर्मी वाला हूँ, उम्र हमको बूढ़ा नहीं कर सकती, नेवर। वो तो दिख ही रहा है, आजकल आप ज्यादा ही जवान होते जा रहे हो। जवान होते नहीं जा रहा हूँ, जवान हूँ। मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, यू अंडरस्टैंड, आई लव यू। 64 साल के आदमी पर अपनी 60 साल की पत्नी को मारने का इल्जाम लगा। आखिर 38 साल की कामयाब शादी के बाद क्या वाकई कोई आदमी ऐसा कर सकता है? और अगर हाँ तो किन हालात में? डॉक्टर मराठे, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच कि आपने अपनी बीवी का खून कर दिया? सर हमें मिल चुका है, बाकी की बॉडी कहाँ? डॉक्टर मराठे, सर हमें मिल चुका है, औजार भी मिले हैं, इतना साफ है कि खून आपने किया है, इसलिए चुप बैठने से कोई फायदा नहीं है। अगर कबूल कर लेंगे तो सजा कम हो सकती है। डॉक्टर मराठे, ये सारा ड्रामा बंद कीजिए और जो सवाल पूछे गए उनके जवाब दीजिए। क्यों मारा आपने आपकी बीबी को? मैंने नहीं मारा उसे, मैं कैसे मार सकता हूं? मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। सर मुझे लगता है या तो ये दिमागी रूप से बीमार है या तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है।
और दोनों ही हालत में इसका टूटना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता ये कुछ बताएगा। इसके लिए हमें वो बाकी की बॉडी बरामद करनी होगी। सर, सूर्यकांत बुरा आदमी नहीं है। वो मेरी बहन सुरेखा से बहुत प्यार करता था। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कर सकता है। क्या आप इनकी बेटी को सिंगापुर से यहाँ मुंबई बुला सकते हैं? हमें उनका बयान लेना होगा। जी, मैंने उसे फोन कर दिया है, वो आ जाएगी। अच्छा, ये सूर्यकांत रिटायरमेंट के बाद कुछ काम करते थे या घर पर ही रहते थे? सर, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद वो कुछ दिनों तक घर पे ही थे, लेकिन बाद में फिर अपने एक दोस्त के क्लिनिक में प्रैक्टिस करने लगे थे। जी सर, रिटायरमेंट के बाद मैंने ही उन्हें फोर्स किया था कि कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले। बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि सूर्यकांत ऐसे सब कुछ कर सकता है। बहुत प्यार करता था वो सुरेखा से। मैं मिडर के दिनों से जानता हूँ सर उसे। बड़ा शांत और नॉर्मल सा इंसान है। सूर्या, जीप दाखवाना। क्यों? दिखाओ तो सही। अरे क्या पूर्ण दाखवा। अरे क्या तुम भी? क्या हुआ? ऐसे लग रहा है कि आपने एक साथ चार चार फ्लेवर के फालूदा खाए हैं। हेलो, खाना खा लो, आज से आपको यही खाना मिलेगा। सुनो। क्या है? मुझे अपनी बीवी से मिलना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे उसके पास ले चलो। सुनो, मुझे उसके पास ले चलो ना, मेरी बात मानो। अरे बीवी का तूने खून कर दिया, अब बीवी से कैसे मिलेगा? बैठो उधर। सुनो सुनो, ये दरवाजा खोल। आखिर किस मानसिकता के व्यक्ति थे सूर्यकांत? ऐसा लगता तो था कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, या फिर ये भी उनका कोई नाटक था अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए। सर, आजकल के जवान क्या रोमांस करेंगे, जैसे ये लोग थे। बहुत अच्छा रिलेशन था उन दोनों का आपस में। सुरेखा हमेशा मेरे साथ मंदिर आया करती थी, लेकिन उसने सूर्या भाऊ की कभी बुराई नहीं की, बल्कि उनकी तारीफ ही करती थी। सर, सूर्या भाऊ आर्मी वाले हैं, सुबह जॉगिंग, फिर मार्केट और शाम को सीधे घर पे। एकदम पंचुअल और परफेक्ट लाइफ जीने वाला इंसान। हाँ, थोड़ा गुस्से वाला है, पर सोसाइटी में डिसिप्लिन के लिए एक आध ऐसा आदमी भी तो चाहिए। hey! गाड़ी कैसे पार्क की है? सोसाइटी में रहना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा। गाड़ी ठीक से पार्क करो, वरना अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अपने काम से काम रखो, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं एक आर्मी मैन हूँ और अच्छी तरीके से जानता हूँ टेढ़ी चीजों को सीधा करना, समझे? सर, सूर्यकांत मैं चांगला ओळखतो, छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट करते हैं, अजीब आदमी है ये, सबके साथ उसको प्रॉब्लम है। सर, किसी ने गलत पार्किंग की तो ये कंप्लेंट कर देता है, किसी ने कचरा फेंका तो ये शोर मचा देता है। इतना ही नहीं सर, कोई फेरे वाला अगर घूमे तो उसको कहता है कि तेरे पास परमिशन है क्या? न जाने क्या क्या बात करते हैं सर। सर, वो तो समझ सकते हैं, मगर बच्चे अगर गली में खेले तो भी उसको तकलीफ है। बच्चे अपने छत पे जाके खेले तो भी प्रॉब्लम है, बोलता है मुझे तकलीफ होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है। सर, उसके डर से बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया। रेखा में सर, सूर्यकांत के घर पे छत पे चेक किया था? हाँ सर, छत पे कॉर्नर पे कुछ बॉक्स पड़े थे, लेकिन वो बॉक्स खाली थे सर। ये सारे बॉक्सेस हटाओ। ताला तोड़ो। सर, बॉडी के 299 टुकड़े और कटे हुए सर को पकड़कर 300। मुझे लगता है कि बॉडी को
यहाँ बेडरूम में प्रिजर्व करके रखा था और बेडरूम का एसी का टेम्परेचर 16 पे सेट किया था। अगर बॉडी टेरेस पे प्रिजर्व की जाती तो अब तक तो डिकम्पोज हो चुकी होती। मतलब बॉडी को हाल फिलहाल में टेरेस पे शिफ्ट किया गया था। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं कि तुम एक बेहद अच्छे इंसान हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल हो जिसने अपनी ही बीवी का बेरहमी से खून किया और 300 टुकड़े कर दिए। क्यों मारा उसे? आपके शूज ठीक तरीके से पॉलिश नहीं है और वर्दी भी ठीक तरीके से प्रेस नहीं है। एक ऑफिसर को हमेशा प्रॉपरली ड्रेस्ड रहना चाहिए। इस पूरी सोसाइटी में आप एक एग्जांपल सेट अप करते हैं। डू यू नो दैट? हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसे एग्जांपल सेट करने वाले लोग हमें फुर्सत कहाँ देते हैं। अब ये ड्रामा बंद करो और सीधे सीधे बताओ, क्यों मारा अपनी बीवी को? मैंने नहीं मारा उसे, सच कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि वो मेरे करीब रहे, क्योंकि मैं उसके बिना जी नहीं सकता ना। क्या मतलब? क्या उसकी बॉडी के टुकड़े करके और अपने पास रखे क्योंकि तुम उसके बिना जी नहीं सकते? चलो मान लेते हैं तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन मौत तो उसकी हुई है। कैसे मरी हो? सुसाइड। सूर्या, ये मेरा घर है, घर आपका आर्मी का कैंप नहीं है। आप रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी के बाहर नहीं आ सकते। उल्टा ये सब मुझे भी थोप दिया है। गिनती की 4 सब्जियां, 10-10 बार वही पकाओ वही खाओ। मैं एक आम इंसान हूँ, आम इंसान। बस करो, धीरे बोलो, मुझे ऊंची आवाज से तकलीफ होती है। आपको ऊंची आवाज पसंद नहीं है तो क्या सारी दुनिया गूंगी बन जाए? क्यों गूंगी बन जाएगी वो? क्यों? मैंने बहुत कोशिश की ये सब संभालने की, निभाने की, लेकिन अब नहीं सूर्या, मैं जा रही हूँ। सुरेखा, मेरी बात तो सुनो। आप यहाँ रह जाओ और संभालो आपकी डिसिप्लिन वाली जिंदगी। मैं जा रही हूँ। सुरेखा, मेरी बात सुनो प्लीज, तुम जाओ मत। सुरेखा मुझे जाने दो। सुरेखा मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुरेखा मुझे जाने दो। सारी की सारी अलमारी खराब कर दी, फिर से लगानी पड़ेगी। दो मुझे, दो। सुरेखा मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुरेखा, अगर उसने सुसाइड किया था तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि सुरेखा ने आत्महत्या की है। अगर आपको इन्फॉर्म करता तो आप तो उसे मुझसे छीन ही लेते, है ना? बेवकूफ समझ रखा है हमें। तुमने उसकी बॉडी के टुकड़े इसलिए किए क्योंकि तुम उन टुकड़ों को डिस्पोज करने वाले थे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। फिर क्यों किया उसके टुकड़े, बोलो प्लीज। डोंट शाउट, मुझे प्रॉब्लम होती है। बॉडी के टुकड़े करने वाली बात तो इसने कबूल कर ली, लेकिन मर्डर के बारे में अब तक कुछ बताने को तैयार नहीं है। सर, सुरेखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। सुरेखा की मौत 18 तारीख को दोपहर को 3 से 6 बजे के बीच में हुई है और सर पर यहाँ बीच में चोट लगने की वजह से सुरेखा की मौत हुई है। इसका मतलब कि सूर्यकांत ने सुरेखा का सर दीवार से पटका और उसकी मौत हो गई, या फिर ये भी हो सकता है कि सुरेखा ने खुद अपना सर पटक लिया और बाद में सूर्यकांत ने उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिया। सर, मुझे लगता है कि इसी ने सुरेखा का कत्ल किया होगा और बाद में इसी ने उसके टुकड़े भी कर दिए ताकि बॉडी को आसानी से ठिकाने लगा सके। हाँ, लेकिन वो टुकड़े करने की बात कबूल कर रहा है ना, मर्डर की बात कबूल नहीं कर रहा। सर, आप मुझे उसके साथ 10 मिनट दे दीजिए। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ उगल देगा। वो भी बता देगा जो उससे नहीं पूछा है। नहीं दौड़े, वो बाद में कोर्ट में मुकर जाएगा। एक्स आर्मी ऑफिसर है, उसकी पैरवी करने के लिए वकील भी बढ़ाएगा। उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे, तब तक उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। हेलो, ओके, सावंत का फोन था। सूर्यकांत की बेटी सिंगापुर से वापस आ गई। तौड़े, ये सूर्यकांत और सुरेखा घर में अकेले रहते थे ना, जरा पता करो इनके घर पे कोई बाई वाई काम करती थी क्या? हाँ, उन्होंने बाई लगाई थी। जो बाई मेरे घर पे भी काम करती है, शांता नाम है उसका। हाँ साहब, लेकिन कुछ दिनों से मैं छुट्टी पे हूँ। कितने दिनों से काम पर नहीं गई? लगभग 8 दिनों से। मैं आई थी तभी साहब मुझे बोले। साहब, मैं कब से 1 घंटी बजा रही हूँ लेकिन मेम साहब एक दरवाजा ही नहीं खोल रही।
दरवाजा नहीं खोल रही क्योंकि वो सिंगापुर गई हुई है। सुरेखा के आने तक तुम्हारी छुट्टी है। हाँ, वो जब आएगी तो तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन साहब आप घर पे हो ना, तो झाड़ू कटका बर्तन भांडी वो तो करनी पड़ेगी। वो सब मैं खुद कर लेता हूँ। तुम्हारी पगार अभी की कितनी है? साहब 500 में 50 रुपए कम। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस थैली में करवत ही थी? साहब मेरा मर्द कारपेंटिंग का काम करता है, तो मैं करवत नहीं पहचानेगी क्या? मतलब सुरेखा की मौत के बाद या सूर्यकांत के हिसाब से उसके सुसाइड के बाद उसने बॉडी काटने के लिए औजार खरीदे, और अगर बॉडी के टुकड़े घर में मिले हैं तो जाहिर है बॉडी कटी भी घर में ही होगी। सर तब तो घर से काफ़ी मात्रा में बदबू भी आती होगी, और उसे मिटाने के लिए इसने फिनाइल या ऐसी किसी चीज़ का काफ़ी मात्रा में यूज़ भी किया होगा। तबड़े अगर ऐसा है तो ज़रा पता करो ये औजार और फिनाइल सूर्यकांत ने कब और कहाँ से खरीदा। ओके सर। विश्वास करना मुश्किल था कि जो आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था वो खुद उसके शरीर के 300 टुकड़े कैसे कर सकता था। क्या ये आदमी आपकी दुकान में कुछ सामान लेने के लिए आया था? अरे सेठ ये तो वही आदमी है जो उस दिन मगजमारी कर रहा था। इससे बड़ी आरी आती है क्या? मुझे पता है आती है। अरे साहब ये सबसे बड़ा साइज है। जब तुम्हारे पास नहीं है तो कहते क्यों नहीं हो कि नहीं है, झूठ क्यों बोलते हो? जिस दिन ये आदमी आया था मुझे उस दिन के आपकी दुकान के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मिल जाएंगे सर। सर सूर्यकांत ने जिस दुकान से वो औजार खरीदे थे हमें वहाँ के सीसीटीवी फुटेज मिल गए। हमारी एक टीम वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही, और सर सूर्यकांत ने 20 तारीख को एक किराने दुकान से 6 बॉटल फिनाइल की भी ली थी। हाँ साहब, गरम मसाला, हींग, 6 फिनाइल की बॉटल और तुर। 6 फिनाइल की बॉटल ये कब खरीदी थी? साहब 20 फरवरी को। इसका मतलब उसने 18 को खून किया, 19 को बॉडी के टुकड़े किए, और फिर 20 तारीख को फिनाइल से घर साफ किया। यस सर। सर सूर्यकांत आर्मी का रिटायर्ड डॉक्टर है, लेकिन फिर भी एक बॉडी के 300 टुकड़े करने में उसे कम से कम एक दिन तो लगा ही होगा। हेलो। ठीक है, सूर्यकांत की बेटी मुंबई लैंड हो चुकी है, एक घंटे में पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। सुरेखा ठंड लग रही है ना? मुझे भी, मेरे पास आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट एक बैठो मेरे करीब, पास आ जाओ पास, अब ठंड नहीं लगेगी है ना? नहीं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। आई और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और सबने देखा है कि वो एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे। उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने टुकड़े किए हैं। वैसे आपने इन्हें बताया था कि उन दोनों के बीच में कुछ अनबन थी, झगड़ों की क्या वजह थी? बाबा का आर्मी में होना, क्योंकि वो रिटायर तो हो चुके थे लेकिन घर को आर्मी कैंप बना के रखा था, और एक साल पहले जब मैं सिंगापुर से आई थी तब आई ने मुझे बताया था कि वो नहीं शनाया, तुम्हारे बाबा कभी नहीं सुधरेंगे, तेंसे चढ़ा तमल नहीं सहन होते, एक सब्जी 10-10 बार बनाने को कहते हैं, जब तक उनके टेस्ट जैसी नहीं बनती तब तक बनाओ बनाओ। एक दिन तो मैंने एक सब्जी 11 बार बनाई, घर की सब्जी खत्म हो गई तो मार्केट से ले आए, बनाओ फिर से बनाओ, किचन में खड़े रह के मेरे पाँव टूट गए, हाथ दुखने लगे, फिर भी वो नहीं माने, नहीं सुनाया। आई घर पर अलग बर्ताव करते हैं, लोगों के सामने अलग बर्ताव करते हैं, लोग बोलते हैं वाह तू लगे छान नौरा मिला ला है, उन्हें क्या मालूम है मैं क्या भुगत रही हूं। सुनाया मैंने 1000 बार उनको कहा है तुमसे पैसे ना मांगे, फिर भी वो तुम्हें कॉल करते हैं, पैसे मांगते हैं। छी, मुझे अब घिन आती है उनसे। तुम्हारे बाबा तुमसे पैसे क्यों लेते थे? हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। बाबा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप और आई मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको अच्छी खासी पेंशन आती है, आपको पैसों की क्या जरूरत है, अपने खर्चे के लिए कि अपने पति के आगे हाथ फैलाऊं? मैं ये सब कुछ नहीं जानता, तुम्हें पैसे भेजने तो बस भेजने, दैट्स ऑल। और उनकी ये सब हरकतें देखकर
मैं मामा के घर चली गई थी और वहीं से मैं सिंगापुर के लिए निकल गई। मैंने कितनी कोशिश की आई को समझाने की कि बाबा को छोड़ दे, लेकिन आई ने मेरी ये बात नहीं मानी और आई की इसी जिद की वजह से आई की जान चली गई। तावड़े, ये सूर्यकांत सनकी और सरफरा टाइप का आदमी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस इंटेंसिटी से सुरेखा के सर पे चोट लगी थी, कोई इंसान खुद को ऐसी चोट नहीं मार सकता। और सूर्यकांत के मुताबिक सुरेखा खुद अपना सर दीवार पे पटक रही थी, जबकि सुरेखा के सर पे चोट का निशान सिर्फ एक है। सर, तो फिर यही पॉसिबल है कि सुरेखा ने खुद सुरेखा का सर दीवार पे पटका हो, या तो किसी भारी चीज से उसके सर पर वार किया हो। लेकिन तावड़े, हमें दीवार पे कोई भी खून के ट्रेसेस नहीं मिले, और अगर ऐसा है तो वो चीज जिससे सूर्यकांत ने सुरेखा के सर पे मारा उसके घर में गई होनी चाहिए। रेखा में सर, सुफिया जा खाली कर दे रेखा। शिंदे सर, मैग्नीफाइंग ग्लास दें। तावड़े, इस टॉर्च को फॉरेंसिक में भेजो और उनको बोलो हाई प्रायोरिटी पर रिपोर्ट दें। इसे पहचानते हो? ये वही टॉर्च है जो तुमने सुरेखा के सर पे दे मारा था और उसकी मौत हो। इसमें सुरेखा का खून और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। शिंदे, ती सगळी हत्यार घेऊन या। और ये रहे वो सारे औजार जिससे तुमने सुरेखा की बॉडी को टुकड़ों में काटा। उस हार्डवेयर शॉप का सीसीटीवी फुटेज भी है जहां से तुमने ये सब खरीदा था। तो अब ऐसा करते हैं, जो कहानी तुमने हमें गोल घुमा के सुनाई वो हम तुम्हें सीधी सुना देते हैं। उस दिन दोपहर को तुम्हारा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ। मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मेरी बात को समझो। मुझे छोड़ो। तुम घर से बाहर निकले, बाजार से ये सारे औजार खरीद के वापस आए और उसकी बॉडी को टुकड़ों में काटा। और जब पुलिस घर पर आई तो तुमने सर्च वारंट का नाटक किया। पुलिस के जाने के बाद तुमने उन टुकड़ों को घर से निकाल कर छत पर रखा और उस बक्से को खाली बॉक्सेस से ढक दिया। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसे ही हुआ था ना? बोलो। मैंने उसके टुकड़े किए थे लेकिन उसे मारा नहीं। डॉक्टर मराठे, अब ये कहानियां सुनाना बंद कर दो। तुमने उसके इतने टुकड़े इसलिए किए ताकि तुम उन्हें अलग अलग जगह फेंक सको और कभी पकड़े ना जाओ। नहीं ऑफिसर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कैसे मारूंगा उसे? मैं तो उसे इतना प्यार करता था। इतना प्यार करते थे कि 300 टुकड़े कर दिए। मैं उन टुकड़ों को लेकर शिरडी जाना चाहता था, वहां पर उसकी समाधि बनाने के लिए। मैंने तो इस काम के लिए अपनी क्लिनिक से छुट्टी भी ले रखी थी और अपनी कार मैकेनिक को दी थी नया एसी लगाने के लिए, लेकिन ये काम तो अधूरा ही रह गया। ये केस एक ऐसी अनबुझ पहेली बना जिसका जवाब मानो पता था, पर फिर भी पहेली सुलझ नहीं रही थी, क्योंकि सूर्यकांत ने अपनी पत्नी की लाश के 300 टुकड़े किए ये तो कबूला, लेकिन उसने अपनी पत्नी की हत्या की है इस बात से वो लगातार इनकार करता रहा। सबूतों के अभाव में पुलिस हत्या साबित नहीं कर पाई और सूर्यकांत मराठे को घटनास्थल पर छेड़छाड़, सबूत मिटाने और पुलिस के काम में बाधा डालने के जुर्म में आईपीसी की धारा 204 के तहत सजा सुनाई गई और पुलिस आज भी सुरेखा मराठे मर्डर केस की लड़ाई लड़ रही है। आखिर सूर्यकांत की इस हालत की वजह क्या थी? एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर उनकी डिसिप्लिन जिंदगी, या फिर कोई मानसिक बीमारी, या उनके अतीत का कोई ऐसा हिस्सा था जिसने उन्हें वैश्य बना दिया था? बंधन इंसान के हित में है लेकिन वो भी एक हद तक, वरना बांध कर रखने की मानसिकता भारी पड़ती है, क्योंकि आजादी चाहने वाला जब जोर लगाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
If you want to enjoy more Crime Files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.